हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टूल मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। टूल मटेरियल में मेनली तीन चीज़ें होनी इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए, टूल का जो मटेरियल है वो वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेड हार्डनेस यानी काफ़ी हाई टेम्परेचर पे भी वो अपनी हार्डनेस को कायम रख सके यानी बरकरार रख सके, और टफनेस यानी उसमें टफनेस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग चार टूल मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील, जैसे कि आपको नाम से ही पता चलेगा, इसमें कार्बन की मात्रा हाई होती है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील, और इसमें ये लेकिन लो हीट एंड वियर रेजिस्टेंस, लो हीट पे ये काम करता है, और ये जो है वियर रेजिस्टेंस, वियर यानी जो घिसावट होती है उसका प्रतिरोध करता है। टूल लूज हार्डनेस एट अबाउट 300 सेल्सियस, यानी 300 डिग्री सेल्सियस तक अपनी हार्डनेस को बरकरार रखता है। इससे ऊपर होगा तो वो जो है टूल जो है प्लास्टिक स्टेज में आना स्टार्ट हो जाए, पिघलना नहीं बोल सकते हैं, वो यू नो वो अपनी हार्डनेस खो देगा। नॉट सूटेबल फॉर हाई कटिंग स्पीड, ये हाई कटिंग स्पीड के लिए सूटेबल नहीं होता है, एंड हैवी ड्यूटी वर्क के लिए भी सूटेबल नहीं होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल सच एज वुड में इसका इस्तेमाल, लकड़ी वगैरह काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो इसमें 18% टंगस्टन होता है, 1% वेनेडियम होता है, और ये 900 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर, अपना जो हार्डनेस है वो बनाए रखता है। नेक्स्ट है कार्बाइड। कार्बाइड में 82% टंगस्टन होता है, 10% टिटेनियम और 8% कोबाल्ट होता है। कार्बाइड टूल जो कि ऑपरेट किया जाता है वेरी लो कटिंग स्पीड, लो कटिंग स्पीड होने की वजह से इसकी जो टूल लाइफ होती है वो रिड्यूज होती है। नेक्स्ट है सिरेमिक। सिरेमिक टूल आर फिक्स्ड टू ए टूल बॉडी बाय ब्रेजिंग, यानी सिरेमिक टूल को उसकी बॉडी के साथ ब्रेजिंग के थ्रू ब्रेजिंग करके फिक्स किया जाता है, और इसकी जो टूल लाइफ होती है, ठीक है, वो टूल लाइफ बहुत ही अच्छा होती है, ग्रेटर टूल लाइफ होता है कार्बाइड टूल का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको टूल मटेरियल के बारे में समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।